गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूँ सीमा लक्ष्मी गार्डन से। मेरा सुबह का नमस्कार। और ये देखिए इतने सारे गुलाब हैं, ये तो कुछ नहीं है, हमारे पास बहुत सारे गुलाब हैं। तो मैं गुलाब के बारे में कुछ टिप्स देना चाहती हूँ, जो हमारे गार्डन में गुलाब हैं, प्लांट्स हैं, उनमें फ्लावरिंग देखिए इसमें 10-12 प्लांट फ्लावर एक बार निकल आए हैं। तो अब इन ये फ्लावर ख़राब तो हो ही जाते हैं, हमारे ये फ्लावर कम से कम 15 दिन से लगे हुए हैं, क्योंकि हाइब्रिड गुलाब है हमारा, देसी गुलाब नहीं है। देसी गुलाब में फ्लावर एक बार आके अगले दिन ख़त्म हो जाता है या दूसरे दिन, लेकिन जो हमारे हाइब्रिड गुलाब होते हैं, जो हमारे हाइब्रिड के गुलाब, जो देसी नहीं, जो अंग्रेजी इनको इंग्लिश गुलाब कहते हैं, जो हम लोग कहते हैं कि इंग्लिश गुलाब है, तो उनमें एक बार फ्लावर अगर जो आ जाए तो कम से कम 1 हफ्ता 10 दिन तक लगा रहता है। जब इसका शेड जो होता है, मेन शेड जो होता है, उसके बाद जो फ्लावर का जो कलर होता है वो बिल्कुल बदल जाता है, तब जाके वो कहीं टूट पाता है, टूटता है उसके बाद में, और फ्लावर करना थोड़े दिन के लिए वो बंद कर देता है। तो आप देखिए इसमें एक फ्लावर लगा हुआ है और कहीं से दूसरी इसमें बर्ड नहीं है। अगर जो दूसरी बर्ड होती है तब तो ठीक है, तब तो फ्लावर दूसरा खिलने लगेगा, लेकिन हमारे ये इंग्लिश गुलाब में यही एक बात होती है कि एक स्टेम में एक ही फ्लावर खिलता है। आप देखिए हमारे जितने भी फ्लावर खिले हैं केवल एक स्टेम में एक फ्लावर। तो इनके लिए मैं कुछ टिप्स देना चाहती हूँ कि अब ये देखिए हमारा एक ये स्टेम है और इसमें इतने सारे फ्लावर खिले हैं। अभी सारे फ्लावर एक साथ खिल के ख़त्म हो जाएंगे तो इसमें से कोई जब बर्ड नहीं लगी है तो फ्लावर कहाँ से आएगा। इसलिए हमको हार्ड प्रूमिंग ना करके, हार्ड प्रूमिंग हमारे अक्टूबर में होती है। हार्ड प्रूमिंग मतलब यहाँ से 6 इंच छोड़ने के बाद में यहाँ से कट कर देना, इतना हटा देना, ये हमारी हार्ड प्रूमिंग होती है। और शॉर्ट प्रूमिंग होती है, जैसे आपके फ्लावर खिल गए हैं और यहीं से आप थोड़ा सा यहाँ से, जैसे मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से, जैसे आपके ये फ्लावर यहाँ से खिल गए हैं तो मैं अभी इन फ्लावरों को नहीं हटाऊँ, क्योंकि अभी फ्लावर इसमें खिले हैं, जब पूरे ख़राब हो जाएंगे तभी हटाऊँगी इस फ्लावर इसको। मैं बता रही हूँ जैसे आपका ये फ्लावर यहाँ से खिल गया है तो यहाँ से आप इतना इसको काट दीजिए। मैं आपको बताती हूँ, सही से भी दिखा के बताती हूँ कि जैसे अब यहाँ पे आपका कोई फ्लावर नहीं निकलेगा इसके बाद में, तो आप इसको शॉर्ट प्रूमिंग कहते हैं कि इस जगह से इसको ऐसे ऐसे कट कर दीजिए। जब हमारा ये इस तरीके से जब कट जाता है तो यहाँ पे जो हमारी फिर से नई नई जो ये है, यहाँ पे फंगीसाइड लगा दीजिए, आपके पास फंगीसाइड है, अगर जो नहीं तो हल्दी थोड़ी सी इसमें यहाँ पे लगा दें तो यहाँ पे हमारा फंगस नहीं लगता। क्योंकि जैसे ये देख रहे हैं आप, हमारे जो यहाँ से मैंने इसको कट किया था तो यहाँ फंगीसाइड नहीं लगा, इसलिए ब्लैक हो गई, ये ब्लैक फंगस लग जाता है, इसलिए हमारी पूरी स्टेम ख़राब हो जाती है, इसलिए हमारा गुलाब ख़राब होने का डर रहता है। तो जैसे मैंने इसको कट किया है यहाँ पे, या तो आप जिस सीजर से काटे उसमें इसको डिटॉल से साफ़ कर लें या सर्फ से साफ़ कर लें, मैंने इसको सर्फ से साफ़ कर लिया है। आपको पता नहीं चलता, इसमें जर्म्स हो जाते हैं जो हमारे इसमें फंगस लगा देते हैं। तो जैसे हमने यहाँ से काटा, अब यहाँ से नई नई लीफ निकलेंगी, नई नई यहाँ से छोटी छोटी सी लीफ निकलेंगी और हमारा प्लांट छोटा का छोटा रहेगा और बढ़िया सी फ्लावरिंग करेगा। ऐसे ही जैसे हम और अक्टूबर में हम लोग हार्ड प्रूमिंग कर देते हैं, जैसे हार्ड प्रूमिंग इसको कहते हैं, मैं आपको एक करके बताती हूँ। क्योंकि देखिए इस यहाँ पे फ्लावरिंग हो चुकी है और ये मैंने फ्लावर तोड़ दिया था। फ्लावर ना तोड़ें, फ्लावर को जैसे आपने यहाँ से फ्लावर नहीं तोड़ा, फ्लावर यहाँ से आप इसको जब ऐसे कट कर देंगी तो यहाँ से आपकी नए नए लीफ निकलेंगी और आपकी फ्लावरिंग होने लगेगी। और हार्ड प्रूमिंग अक्टूबर में होती है, वो किस तरीके से होती है, जैसे आप हमारा ये 6 इंच के स्टेम है और यहाँ से इतना ये, जैसे ये आपने कट कर दी, थोड़ी सी और काट देते हैं, इसको यहाँ से, जैसे हमने इसको यहाँ से काट दिया इतना, तो ये इसको हार्ड प्रूमिंग बोलते हैं। हार्ड प्रूमिंग स्टेम, ये जो हमारे जड़ के से प्लांट जो जड़ से जो प्लांट आता है, इसे 6 अंगुल छोड़ के यहाँ से कट करना हार्ड प्रूमिंग कहते हैं। जैसे हम जब हमारा ये फ्लावर खिल जाएगा, कितना खूबसूरत फ्लावर लगा हुआ है हमारा, इंग्लिश गुलाब है, तो जब ये हमारा फ्लावर खिल जाएगा, देखिए इसमें केवल एक फ्लावर खिला है, तो हम यहाँ से इसको
यहाँ से कट कर देंगे तो यहाँ से नई नई लीफ निकलेगी। इसको शॉर्ट प्रूनिंग करते हैं। और ये देखिए, जैसे अब इसमें यहाँ से एक फ्लावर खिला था तो मैंने इसको कट कर दिया था। यहाँ से देखिए ये लीफ, नई नई देखो देखिए लीफ निकल रही है, यहीं से बड बनेगी, यहीं से फ्लावर खिलेगा। और हमें पता चल जाता है जब कोई फ्लावर खिल चुका होता है, जहाँ से ये देखिए यहाँ पे भी लीफ निकल रही है, तो यहाँ से फ्लावरिंग होने लगेगी। उसके बाद में जब हमें फ्लावरिंग हो जाएगी तो अक्टूबर में हम हार्ड प्रूनिंग कर देंगे यहाँ से। और उसके बाद में जब हार्ड प्रूनिंग कर देंगे, हमारा पौधा छोटा रहेगा और बहुत ज़्यादा सी जितनी प्रूनिंग करेंगे उतनी ये देखिए कितनी सुंदर सुंदर सी बड लगी हैं तो ये खिलेंगी। तो जैसे मैं आपको बता रही हूँ, जैसे ये फ्लावर हमारे खिल गए हैं तो शॉर्ट प्रूमिंग खिल करने के बाद, शॉर्ट प्रूमिंग इसको कहते हैं। जैसे यहाँ से आप देख रहे हैं, यहाँ से इसको कट कर दीजिए ऐसे, इस तरीके से जब ऐसे जैसे कट कर देंगे, अब यहाँ पे फंगीसाइड लगा दें, हल्दी सूखी हल्दी आप उसको यहाँ पे लगा दें तो ये बहुत अच्छी फंगीसाइड होता है, इसमें फंगस नहीं लगेगा, ब्लैक स्टेम नहीं होगी और यहाँ पे नई नई लीव्स निकलेंगी और बड बनाएगा हमारा प्लांट फ्लावरिंग करने। इसको बोलते हैं शॉर्ट प्रूमिंग। और शॉर्ट प्रूमिंग करने के बाद आप इस गमले में, जैसे फ्लावरिंग हो गई पूरी, अब हमारे गमले में हमारी मिट्टी में एनर्जी नहीं बची है तो इसको जब हम कटिंग करते हैं तो उसमें खाद की बहुत ज़रूरत पड़ती है। खाद ज़रूर देना चाहिए। जब फ्लावरिंग एक बार हो जाती है तो हमारे प्लांट को स्ट्रांग बनाने के लिए, हमारे मिट्टी को, पौधे की मिट्टी को, हमारे गमले की मिट्टी को स्ट्रांग बनाने के लिए आपको खाद देने की ज़रूरत पड़ती है। जब खाद इसमें आप देंगे तो नए सिरे से फिर से हमारा प्लांट बड बनाएगा और बहुत खूबसूरत सी फ्लावरिंग करेगा। और मैं खाद कौन सी दूंगी, या तो सरसों की खली का फर्टिलाइज़र मेरे पास बना रखा हुआ है, हालांकि मैंने फर्टिलाइज़र दे दिया है। मैं अभी बताती हूँ किस तरीके से सरसों की खली का फर्टिलाइज़र एक प्लांट में मैं करके बताती हूँ। मेरे पास बहुत सारे गुलाब के प्लांट हैं लेकिन मैं आपको एक ही पौधे में करके बताती हूँ किस तरीके से आप इसमें फर्टिलाइज़र दें। ये देखिए सरसों की खली का फर्टिलाइज़र मैंने तीन दिन तक भीगने के बाद में आप दे सकती हैं, लेकिन हमारे पास ये परमानेंट बना रखा रहता है तो बहुत दिन का हो जाता है, 3 दिन, 10 दिन, 8 दिन। और तो इसमें मैंने इसको चला लिया है। और ये हमारे 5 लीटर की नहीं तो 2.5 लीटर की बाल्टी है, इसमें थोड़ा सा, 2 गमले के लिए मैं आपको दिखा रही हूँ, थोड़ा सा इतना डाल दें, थोड़ा सा, और जैसे शरबत जैसा ये कुछ इस तरीके से इसका विकेट बनता है, शरबत जैसे बहुत पतला, ज़्यादा डालेंगे तो आपका प्लांट सूखने का डर रहता है। और इसको आप विकेट फर्टिलाइज़र में, और मैंने आपको बताया था कि जो मैंने होममेड खाद बनाई किचन वेस्ट से जो छिलका वगैरह निकलता है उससे मैंने और पत्तियों की खाद बनाई, तो ये खाद बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही बढ़िया खाद है, मैंने सब भर के रखी है। तो ये खाद हम अपने प्लांट को दे देंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया है, और कटिंग जो हमारे सूखे जो फ्लावर है वो यहाँ से ऐसे कट कर देंगे, इसको सॉफ्ट प्रूमिंग कहते हैं, ऐसे कट कर दिया। अब यहाँ से हमारी नई नई लीव्स निकलेंगी और फिर से हमारा प्लांट 10-15 दिन के बाद, क्योंकि लीफ निकालेगा उसके बाद बड बनाएगा, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है हमारे पौधे में। जैसे एक बार फ्लावरिंग हो गई, अब तो कहीं बड तो है नहीं, जब बड नहीं है तो फ्लावर कहाँ से आएगा, तो नए सिरे से इसको हमको तैयार करना पड़ता है अपने पौधे को। अभी सारे फ्लावर अच्छे हैं तो मैं नहीं काटूंगी, ये फ्लावर मैंने काट दिया है, सॉरी, क्योंकि इतना बढ़िया फ्लावर था मैंने काट दिया, मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए ये काटा है। और देखिए यहाँ से कोई फ्लावर नहीं निकलेगा क्योंकि यहाँ देखिए ब्लैक ब्लैक हो गया, इसको भी काट देती हूँ। जहाँ पे आपको लगे यहाँ पे लीफ नहीं निकलेगी आप तुरंत उसको कट कर दीजिए ऐसे, इस तरीके से। इसको शॉर्ट प्रूमिंग बोलते हैं। जैसे यहाँ से आपने काट दिया और यहाँ पे से आप नई नई लीफ निकलेंगी। अब मैंने इसको गुड़ाई कर दी है, इसको गुड़ाई करने के बाद में सरसों की खली का फर्टिलाइज़र आप अगर दें तो खाली दें, वरना इसमें जैसे मैंने लीफ ये बनाई थी किचन वेस्ट का बनाया था, इसमें मैंने बहुत कुछ मिलाया, सरसों की खली मिलाई है और इसमें राख मिलाई है, इसमें चाय की पत्ती मिलाई है, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलाई हैं जो हमारे पौधों को स्ट्रांग बनाएगी। तो मैं
चाहे ये वाली खाद दे दें चाहे फिर लिक्विड फर्टिलाइज़र दे दें, एक साथ दोनों ना दें, क्योंकि जो चीज़ इसमें मिली है वही चीज़ का ये फर्टिलाइज़र है। तो ज़्यादा स्ट्रांग जब हो जाएगा तो हमारा ज़्यादा चीज़ भी हमारे पौधों को ख़राब करती है। तो हम लिक्विड फर्टिलाइज़र दूसरे गमले में देंगे, और क्योंकि हमारे साथ पास बहुत सारे गमले रखे हैं, अभी बहुत हमारे पास गमले हैं क्योंकि इन सबको हमको करना है। और इसमें मैं सूखी खाद दे दूँगी क्योंकि हमारा गीला गमला है, और गीला है क्योंकि रात में मैंने पानी इसमें दिया था, शाम को अभी सूखा नहीं है। इसमें मैं सूखी खाद दे दूँगी, और ये देखिए इस तरीके से बहुत कम देनी है, बहुत ज़्यादा नहीं देनी है। मैं घर में बनाती रहती हूँ सब खाद, और आप किसी को भी ज़रूरत हो तो हमारे लिंक पे प्लीज़ कमेंट करें, मैं आपको खाद अपने घर से अवेलेबल करा दूँगी क्योंकि हमारे पास हर समय बनी रखी रहती है। और इस वाले में मैं इसे लिक्विड दे दूँगी फर्टिलाइज़र, ये बहुत ही हमारा स्ट्रांग फर्टिलाइज़र, बहुत बढ़िया, क्योंकि एसिड की ज़रूरत पड़ती है हमारे गुलाब के फ्लावर के लिए, स्ट्रांग हमारा ये प्लांट होता है। और मैं आपको अभी दूसरे पौधे दिखाती हूँ कि किस तरीके से मैं कटिंग करती हूँ। जैसे इसमें हमारा कोई फ्लावर नहीं आएगा तो मैं यहाँ से कट कर देती हूँ, ये इसको बोलते हैं शॉर्ट प्रूनिंग। ये जैसे यहाँ पे यहाँ देखिए लीव्स निकली है, मैंने कट किया था यहाँ लीव, यहाँ भी देखिए छोटी सी, देखिए छोटी छोटी सी लीव्स निकल रही हैं, यहीं से हमारी ये फ्लावर बड बना प्लांट बड बनाएगा। और ये देखिए इसको भी मैंने कट किया था, इसमें भी लीफ निकलना शुरू हो जाएंगी, जहाँ जहाँ से आप कट करेंगी वहाँ से लीफ निकलना शुरू हो जाएगी। फ्लावर आप ऐसे नहीं कि तोड़ के डाल दें, फ्लावर जब कभी निकालें तो यहाँ से कट करें तो वहाँ से नई लीफ निकलती। इसी तरीके से देखिए मैंने अभी शॉर्ट प्रूनिंग की थी और लीफ निकली, यहाँ से बड बनाएगा। और ऐसे ही आप भी अपने गुलाब, चाहे ज़मीन में आपका प्लांट लगा हो चाहे गमले में लगा हो, आप इसी तरीके से केयर करते रहें तो आपका गुलाब के प्लांट हैं वो हर समय फ्लावरिंग करते रहेंगे। और बाकी जो हमारे आपको कोई भी प्रॉब्लम हो हमसे पूछते रहिएगा, मैं बताती रहूँगी। मैं अपने गुलाब के साथ जो ट्रीटमेंट करती हूँ और आपके सामने हमारे गुलाब के फ्लावरिंग आप देख रहे हैं, बहुत सारे देसी गुलाब हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारे पास देसी गुलाब के गमले हैं, बहुत सारे देसी गुलाब हैं और फ्लावरिंग करते रहते हैं, बीच बीच में कट भी करती रहती हूँ। अब देखिए यहाँ पे जैसे नहीं खिलेगा फ्लावर तो शॉर्ट प्रूनिंग कर दूँगी, ऐसे ऐसे काट दूँगी इस तरीके से जब हम काट देते हैं तो नई नई फ्लावर इसमें लीफ निकलती हैं और फ्लावरिंग करने लगता है, इसको शॉर्ट प्रूनिंग बोलते हैं। शॉर्ट प्रूनिंग इस तरीके से, अभी हमें लग रहा है यहाँ पर कोई भी लीफ नहीं निकल रही है, नई ब्रास नहीं निकल रही, तो मैं यहाँ से इसको कट कर दूँगी। इस तरीके से आप अपने पौधों को कट करते रहिए। शॉर्ट प्रूनिंग तो अपने हिसाब से आप कर दें, जहाँ पे आपकी पता चल जाता कि यहाँ पे कोई फ्लावर नहीं निकलेगा उसको शॉर्ट प्रूनिंग बोलते हैं। इसे कट करती चली जाएं। और हमारे साथ पास बहुत सारे ऐसे देसी गुलाब हैं जो आज मैं इनको सब सेट करूँगी, सबको खाद दूँगी। और इसी तरीके से बहुत सारे देसी देखिए गुलाब हैं, इनको मैं यहाँ जहाँ से फ्लावरिंग हो गई अब सब कट करेंगे। इनको गुड़ाई करने के बाद इसमें खाद देंगे। ये वाले प्लांट में ज़्यादा ट्रीटमेंट चाहिए क्योंकि इस प्लांट में कोई भी बर्ड नहीं बची हैं, एक आध बस फ्लावरिंग कर रहा है, एक आध ब्रांच फ्लावरिंग कर रही है, बाकी कोई फ्लावरिंग नहीं कर रही है। छोटी छोटी सी इसमें जो पतली पतली ब्रांच निकली है वो कट करके इनमें खाद दे दूँगी। और आशा है मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आता हो तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और मेरे लिंक को शेयर करिए, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाइए और मेरा मोटिवेशन बढ़ाइए। मेरा सुबह का आप लोगों को फिर से नमस्कार, थैंक यू।